कर रहे हैं, दरअसल वो रिफ्यूजी नहीं है, वो महाजन है मेरी नजर में। और मुझे दायम प्रवासी का एक शेर है डॉक्टर साहब के, वक्त रुख्सत न मुझे दीदा तर से देखो, एक मुजाहिद को मुजाहिद की नजर से देखो। तो हम आपको मुजाहिद की नजर से देखते हैं, छू गया जो मेडिकल फील्ड में भी आप काम कर रहे हैं, बहुत शानदार काम कर रहे हैं। जिस तरह से मेदिनीपुर में आपने कैंप लगाया था, इस वक्त बाढ़ की वजह से जो लोग वहां पे इस वक्त जो है परेशान हाल है, उनके लिए आप वहां गए और वहां जाकर अपनी कैंप लगाया, और इस तरह से पूरे हिंदुस्तान में आप कैंप लगाते रहते हैं, उसमें और मजीद काम करते रहे। जिस तरह से इस छोटी सी बच्ची को आपने बचाने की कोशिश की, और आज ये 7 साल की हो गई है माशाल्लाह ताला, तो इस तरह से और भी आप काम करते रहे। अब वक्त आ गया है कि जिस काम के लिए हम लोग यहाँ आए हैं वो रस्म इजरा उर्दू का शायर नहीं है यार। डॉक्टर साहब की जो मुजाहिदाना जिंदगी है वो हम सब के लिए बहुत मानी खेज जिंदगी है, और ये आने वाली जो किताबें उन्होंने लिखी है और जितनी जबानों में इन किताबों की अशात हुई है, कोई जबान ऐसी नहीं है जो बोली जाती हो हिंदुस्तान गिर पैमाने पर उसमें वो किताब नहीं आई हो। तो हर नस्ल के परवरिश के लिए, नर्चरिंग के लिए, उनकी जानकारी के लिए, उनके इन्फॉर्मेशन के लिए उन्होंने जो किताब लाई है, मैं समझता हूं कि ये एक बहुत बड़ा सदका जारिया है डॉक्टर साहब जो आपने दिया हमको, और आपको अल्लाह ताला लंबी उम्र दे। आप घबराए नहीं, आपने खुद ही इसका इजहार किया है कि जो मजालिम आप पर ढाए गए हैं और जिस शक्ल में मजालिम ढाए गए हैं, अगर उनकी शक्ल बंदरों जैसी है तो वो इंसानियत का सुलूक तो नहीं कर सकते। आप समझ लीजिएगा मैं जो कह रहा हूं, एक आदमी जो देखने में बंदर जैसा लगता हो वो नहीं, मुझ पर एफ आई आर होगा, इसलिए मैं भी तैयार हूं। इसलिए कि जब आदमी इस जज्बे के तहत लड़ता है कि वो हक की बात को लोगों तक पहुंचाए, तो उसको इस बात का खौफ नहीं होता है कि उसके अगेंस्ट में क्या होता है। अल्लाह नासिर और मददगार होता है, अल्लाह की मदद होती है, और ये मदद अल्लाह की आपको मिली है। मैं लड़ इसलिए पाया कि मेरे माँ बाप ने मुझे तालीम दी थी, दूसरे अल्लाह का शुक्र था रिसोर्स थे, वरना सुप्रीम कोर्ट का एक लॉयर जो है 5 लाख रुपए ले लेता है एक 2 मिनट के बहस करने के लिए, और मैं कितनी बार सुप्रीम कोर्ट गया हूँ। एक हाई कोर्ट का लॉयर जो है 3 लाख रुपए से कम नहीं लेता है एक केस से, पता नहीं कितने केस लड़ा हूँ। तो ज़मीन बेच दी, घर बेच दिया, बहुत जद्दोजहद से लड़ा, अल्लाह का शुक्र है रिसोर्स थे। तो आपको एक तो स्ट्रेटजी बनानी होती है, दूसरे जहाँ मैं ये कह रहा हूँ कि जो बाबा साहब ने सोचा था कि जो न्याय, जो इंसाफ है वो हर किसी के लिए मिलना चाहिए, गरीब के लिए भी मिलना चाहिए, आज हालात ये हो गए हैं 75 साल बाद इस सुप्रीम कोर्ट में पहुँचने के लिए, तो गरीब तो नहीं पहुँच सकता है। सर आपने कहा था फिल्म में, लाइक इन द फिल्म जवान, डॉक्टर ईरम गेट्स जस्टिस, बट व्हाट अबाउट यू? After so many years, what do you have to say about you getting justice? You just not said that it's very difficult to reach the Supreme Court. A doctor saying so. Yeah, it's very difficult. See, I know in that is movie. That time also I have already said that real life and real life there's a difference. In that movie they have shown that the culprit was behind the bar and the doctor got the justice. And this is not only about the doctor. My fight is about those kids, these innocent babies who came to that day, maybe 2 days, just 2 days old, and they didn't know why they are dying. So my fight is for justice, and then justice on the larger level. That's why I'm convincing for the help for all. I hope I will get the justice. Until I won't get the justice, I will continue writing. See, I'll finish this. People told me, I won't take name, but people told me, don't talk about the government, don't talk about Yogi ji, you will be penalized. So I stopped talking and I wrote the book. This book, even I am not there, even the chief minister is not there, this book will be there for 100 years. This is a document, you know. Ek sarkar, itni powerful डेमोक्रेसी में नहीं होनी चाहिए कि एक छोटे से डॉक्टर को, एक कॉमन सिटीजन को वो इस तरह से रोस्ट कर दे। जो पब्लिक है उसको ये समझ में आना चाहिए कि डेमोक्रेसी का मतलब होता है फॉर द पीपल बाय द पीपल। हमारी अपनी आवाज़ लोगों तक पहुंचनी चाहिए, सरकार को निरंकुश नहीं बनना चाहिए। जब जेल से बाहर आते हैं उस चार दीवारी के, तो हवा वही होती है,
रोशनी वही होती है, पर पता नहीं कैसे वो हवा बहुत सुहानी हो जाती है। मतलब मुझे याद है कि जब मैं पहली बार उस जेल से चारदीवारी से बाहर निकला तो मुझे उस सांस को लेने की इतनी तमन्ना हुई कि मैं खुद करने लगा। तो मैंने कहा ना, हवा अंदर भी वही है, रोशनी भी वही है, पर एकदम चेंज हो जाती है, एक अलग सा खुशनुमा माहौल होता है। इट्स डिफरेंट फीलिंग, अमेजिंग। नहीं, जब देखिए, पहली बात तो ये कि सिर्फ जो प्रिजनर होता है वो विक्टिम नहीं होता है, द फैमिली मेम्बर्स आर वर्स नो इन दैट विक्टिम। हर रोज़ उनको पुलिस कचहरी, उसके अलावा जेल में मिलने के लिए भी उनको तीन तीन चार चार घंटे लाइन लगानी पड़ती है, और पूरे टाइम अंदर क्या हो रहा है उनको नहीं पता होता है। तो मुझे लगता है कि मेरी अम्मी जान, मेरे बीवी बच्चे, मेरे भाइयों ने ज़्यादा सफ़र किया है, उनको ज़्यादा परेशानी हुई है मुझसे ज़्यादा। जब मैं जेल से बाहर आया था पहली बार, जब 2018 में बीआरडी ऑक्सीजन ट्रेजेडी के बाद, तो मेरी अम्मी जान ने मुझे गले लगा के सिर्फ आधे घंटे तक सिर्फ यही बोला था कि आ मेरे बेटे कलेजे लग जा, आ मेरे बेटे गले लग जा, आ मेरे बेटे कलेजे में समा जा। और वो बोलती रही। हमने अपनी अम्मी जान को, जब मेरे अब्बू का इंतकाल हुआ था तब भी रोते हुए नहीं देखा। मेरे भाई को जब गोली मारी गई थी वो शहरी के वक्त, वो उठाने आई थी हम लोगों को, तब देखा कोई मर्द घर में नहीं है, काशिफ नहीं है, कफील नहीं है, अधीर भाई नहीं है, तो उन्होंने पूछा कहाँ है, तो मेरी वाइफ ने कहा कि ऐसे ऐसे भाई को गोली लग गई है। 3:30 बजे रात में 2-3 किलोमीटर पैदल चल के रिक्शा किया, उसके बाद जहाँ हॉस्पिटल में हम थे वहाँ गईं, और उस वक्त काशिफ की गले गर्दन से गोली निकल गई थी, वो ICU में थे। गईं, उन्होंने वजू किया, थोड़ा पानी उनके काशिफ के उस पर रखा, और बैठ के उन्होंने दुआ की, बस कुछ बोला भी नहीं, रोई नहीं, उस वक्त भी रोई नहीं। और आपको यकीन नहीं होगा, 6 बजे पूरी बैठ के पूरी मीडिया को, पूरी दुनिया को इंटरव्यू दिया कि योगी जी एनफ, बहुत कर लिया है, अब फैमिली पे मत आइए। ऐसी मेरी माँ है। लेकिन मैंने अपनी माँ को जब बाहर आया था तो वो रुक ही नहीं रही थी, बस एक ही बात कहे जा रही थी, आ मेरे बेटे कलेजे में समा जा, आ मेरे बेटे कलेजे में समा जा। जब नेशनल सिक्योरिटी एक्ट लगा, NSA लगा था, तो अम्मी जान ने जो है कि मैं बाहर आऊँगा ये उम्मीद छोड़ दी थी। तो जब मैं बाहर इस बार आया था तो उन्होंने मुझसे वादा लिया था कि तुम इस बार बेटा, इस बार उन्होंने ये नहीं कहा कि मैं कलेजे में बस जाओ, वो रोती रही और सिर्फ यही कहती रही कि बेटा बस हो गया है, तुम्हारे भी बच्चे हैं, उनको भी तुम देखो। 5 दिन तो मेरे ख्याल से कई सालों से बड़ा लगा, मतलब मुझे यकीन खुद नहीं होता है कि मैं ज़िंदा हूँ। वो मिराकल है मेरे लिए, एज अ साइंस डॉक्टर और ये सोचता हूँ तो कैसे ज़िंदा हूँ नहीं पता है। सर आप वो एक बात तो समझ में आई कि भूख ऐसी चीज़ होती है जो कोई भी दर्द हो, मतलब मुझे मारा इतना था कि ये चमड़ी पूरी उधड़ गई थी, और मैं बहुत हफ्ते तक मैं पेट के बल सोता था जेल में। तो भूख ऐसी चीज़ है जो आपको सब कुछ भुला देती है, आप यकीन नहीं मान लीजिएगा। आप चाहे मुझे इतना बड़ा मुजाहिद और निडर और सब कुछ बोल रहे हैं, लेकिन मैं आपको बता दूं कि जब मैंने जेलर का पैर पकड़ा था तो उस वक्त ना मुझे अपनी बीवी, ना बच्चे, ना CA, ना NRC, ना अम्मी जान, ना क्या कहते हैं एक्टिविस्ट, ना डॉक्टर, ना क्या कहते हैं, उस वक्त अगर वो कहता कि ये लिख दो कि तुम योगी जी से ये माफ़ी मांग रहे हो, ये कर लो, तो शायद उस भूख का वो इतना वो था कि मैं कुछ भी करने को तैयार था। मुझे, मैं आप समझिए, मैं उससे कह रहा था कि एक बाल्टी पानी दे दो, एक ड्रम पानी दे दो, मतलब वो जो पानी का जो गिलास का बड़ा होता जा रहा था मेरे सामने ही, टंकी बनता जा रहा था। तो भूख एक बार, उस 5 दिनों का जो मैं आपको वो बताऊँ, तो एक तो ये कि मैं ज़िंदा कैसे हूँ, तो मैं ये सोचता हूँ ये अल्लाह का वो है, करिश्मा है। दूसरा, मुझे एहसास हुआ खुद ज़िंदगी में पहली बार कि भूख ऐसी चीज़ है जो आपको सब कुछ भुला देती है, चाहे आपकी फैमिली हो, चाहे आपको कितना बड़ा दर्द हो। सर, जेल का सफ़र से लेके डॉक्टर ऑन रोड और आज ये बुक का रिलीज के, अभी फिलहाल आपको कैसा फीलिंग आ रहा हो? गुड। देखिए, दोनों, मैंने कहा ना, दोनों पॉजिटिव और निगेटिव पॉइंट हैं पूरे इंसिडेंट से। जो है,
मैं और योगी जी एक ही जगह के हैं और एक गोरखपुर के हैं, और उनको भी जब उन्हें पंच करते हैं तो उनको भी वोट वगैरह मिलते हैं तो उनको थोड़ा फ़ायदा होता है। इसी तरह से मुझे जो लगता है कि जद्दोजहद में आज मैं एक छोटे से कस्बे का मामूली सा डॉक्टर, शायद पूरी ज़िंदगी जो है कितने लोग जो हैं पीडियाट्रिशियन, कितने हज़ारों लाखों पीडियाट्रिशियन हैं, कितने लोग जानते हैं दुनिया के किसी, आज मुझे हर कोई जानता है। पूरे इंडिया में जाता हूँ, लोग मुझे गले लगाते हैं, दिल से दुआएं देते हैं, इज्जत देते हैं। तो जो ये जेल से अस्पताल का सफ़र है ये बहुत जद्दोजहद वाला सफ़र है, पर अल्लाह का शुक्र है कि बहुत इज्जत से अल्लाह ने नवाजा है। और बस बस आपके चैनल के थ्रू मैं ये ज़रूर बताना चाहूँगा जो भी मुझे देख रहा है आपके चैनल के थ्रू, कि बस एक गुजारिश है आपसे कि दुआ कीजिएगा कभी हिम्मत ना टूटे, क्योंकि 8 साल हो चुके हैं और नौकरी नहीं है, ज़िंदगी थोड़ी मुश्किल में है। आज एक मामला में जब आप गए थे हॉस्पिटल में भी, आप उसके बारे में क्या बोलिए, क्योंकि बंगाल जो है बंगाली लोग किताब पढ़ने में बहुत शौकीन थे। यस, और सबसे यही वजह था कि मैं चाहता था कि जब इंग्लिश के बाद सबसे पहले बंगाली वर्जन आए। बहुत कोशिश की मैंने, जब मैं यहाँ 2022 में इसके रिलीज़ के लिए आया था तो मैंने बहुत पब्लिशर से रिक्वेस्ट किया था और उनको प्रपोजल दिया था, लेकिन शायद कोई वजह रही हो, कोई हेजिटेंसी हो, बड़े बड़े पब्लिशर ने मना कर दिया। यहाँ पे मैं सेतु प्रकाशन का, सुब्रता दास का शुक्रगुजार हूँ, खासकर अमीश दा का जो उन्होंने इतनी अच्छी ट्रांसलेशन किया है। तो क्योंकि बंगाल का धरती जो है लिटरेचर की धरती मानी जाती है, जो इंग्लिश पेपर हम लोग पढ़ते थे मतलब आज से 20 साल पहले गोरखपुर में भी, तो शायद कोलकाता का वो एडिशन आता था, तो वो यहाँ पे है, यहाँ पे लाइब्रेरीज हैं, यहाँ के लोग पढ़ते हैं। तो मुझे पता था कि ये जब बुक आएगी जो कहानी है, और ख़ासकर जब वेस्टर्न बंगाल के लोगों ने, जब मैं जेल में था तो लोगों ने मेरे लिए, डॉक्टर्स ने सिर्फ नहीं, नॉर्मल पब्लिक ने, लोगों ने मेरे लिए जो है आवाज़ उठाई थी, तो उनको कहानी मेरी, उनको उनकी ज़बानी में देने की कोशिश की है। आज सिस्टम का शिकार कभी जरा यहाँ पे हुआ, राफे सिद्दीकी साहब और नौशीन खान भी कहती हैं, तो आपको यहाँ पे कैसा फीलिंग आया ये उर्दू किताब का इजरा करते हुए? उर्दू तो अपनी ज़बान है, हालांकि कोई कंट्रोवर्सी ना हो जाए, हिंदी फर्स्ट है, फिर से कहूँ तो उर्दू तो अपनी ज़बान है, घर पर हम उर्दू बोलते हैं, और ये सबसे ज़रूरी है कि जो है ये, क्योंकि मुझे लगता है मेरी कहानी को लोगों तक पहुँचाने में एक उर्दू पेपर का भी बहुत बहुत वो रहा, चाहे इनकलाब पेपर हुआ, चाहे मशरक हुआ, बहुत से लोगों ने लिखा है, लोगों तक पहुंचा है, तो इसमें आना बहुत ज़रूरी था और मैं बहुत खुश हूँ इस बात से।